नमस्कार, मैं आशीष वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत करता हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एक और दर्दनाक हादसा, सेल्फी के चक्कर में 10 युवाओं ने गंवाई अपनी जान। तो जीएसटी के चलते डाक विभाग भी हुआ परेशान। सुरक्षा हेतु अमरावती बस स्टैंड पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। आजाद हिंद मंडल द्वारा मनाया गया गुरु पूर्णिमा समारोह। तो ये थी आज की सुर्खियां, आइए देखते हैं खबर विस्तार से। तो एक और बड़ी खबर आ रही है, सेल्फी के चक्कर में हादसा हुआ है। सेल्फी निकालने के लिए पानी में गए 10 युवकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, जिसमें से 6 शव अभी तक बरामद हुए हैं। तो गोताखोरों द्वारा आगे की जांच अभी भी जारी है। आइए देखते हैं पूरा वाकया। आजकल अपने मोबाइल में सेल्फी निकालने की चाहत में लोग अलग अलग स्टंट करते हैं और ये स्टंट बहुत बार जानलेवा भी होते हैं। कई बार ऐसे हादसे हमें सुनने और देखने को मिलते हैं। एक ऐसा ही एक दुखद हादसा अमरावती महामार्ग के निकट वेणा जलाशय में हुआ। इस हादसे ने करीब 10 युवाओं की जान ली है। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर रविवार को पिकनिक मनाने के लिए गए अमरावती महामार्ग धामणा गांव से निकट वेणा जलाशय पर कुछ युवक गए थे। शाम के समय खान पान निपटने के बाद शाम 6:30 बजे के दौरान नौका विहार के लिए यह युवक नाव में सवार हुए। नौका चालक सहित 11 युवक नाव में सवार थे। अपनी ही धुन में मौज मस्ती मदमस्त युवक मोबाइल के जरिए अपनी और अपने दोस्तों की वीडियो भेज रहे थे और फोटो भी निकाल रहे थे। पानी के बीच में बहुत क्या बताओ, क्या मान मज्जा नहीं लाइक बंक्या, तू आला नहीं, तू पागल है बंक्या, मिस केला, तू पगला है, पगला आला नहीं रे, बढ़िया बहुत बढ़िया। नजारा देख, नजारा देख, क्या बात है, क्या बात है। इसी सेल्फी के चक्कर में युवक नाव के एक तरफ हो गए और उसी समय नौका वेणा जलाशय के बीचों बीच थी और एक तरफ वजन ज्यादा होने की वजह से नौका का संतुलन बिगड़ गया और नौका पलट गई। नौका चालक अतुल ज्ञानेश्वर बावने को तैरना आता था, वह सकुशल तट पर पहुंचा। अन्य किसी को तैरना नहीं आने की वजह से सभी पानी में डूब गए। अतुल जैसे ही तट पर पहुंचा वैसे नौका डूबने की जानकारी ग्राम वासियों को दी, तो पुलिस मच्छीमार और गोताखोर एवं ग्राम वासियों की मदद से करीब 6 शव एवं नौका हाथ लगी है। अभी भी शोध कार्य शुरू है। थोड़ी फाटेल पण मजा वाटेल। अभिमान अभिमान। ए दादा, इकडे खूप सारे कमेंट आलेले आहे, लाईव्ह कमेंट, लाईव्ह गेलो कोण भगवत डोई मुळे। डोंगामध्ये पाणी घुसिंग ओली होईंग पाणी पाणी घुसिंग बहुत मजा भाऊ, बहुत मजा। पाणी कुठं आहे, पाणी पाणी चला चला जागेवर कुशल लोटे, VCN न्यूज अमरावती।
अमरावती के एसटी बस स्टैंड पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अमरावती बस स्थानक पे हमेशा ही यात्रियों की भारी भीड़ देखी जाती है और इसी भीड़ के चलते जेब कतरे अपना काम हमेशा ही बड़ी सफाई से कर लेते हैं। इतना ही नहीं, हमेशा ये भी देखा गया है कि अपनी पढ़ाई के लिए अमरावती शहर में बाहर से भी लड़के और लड़कियां रोज ही आना जाना करती है। हमेशा इन स्टूडेंट को घंटों बस स्थानक पे इंतजार करते देखा गया है। इन स्टूडेंट्स में से ज्यादातर लड़कियों की परेशानियां बस अड्डे पे खड़े रोड रोमियो अपने गंदे बर्ताव से बढ़ा देते हैं। इस वजह से हमेशा ही बस अड्डे पर झगड़े होते दिखाई देते हैं। हालांकि इस पर बंदोबस्त के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा एक पुलिस चौकी बस अड्डे पर लगाई तो गई है, लेकिन ये असरदार साबित नहीं हो रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रवासियों की सुरक्षा एवं कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु एसटी आगार एवं बस स्टैंड परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। परिवहन मंत्री एसटी महामंडल अध्यक्ष दिवाकर रावते इनकी संकल्पना के तहत सावध रहा यह मुहिम चलाई जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर पुंडलिक बाबा कॉलोनी में जल्द ही बनेगा जॉगिंग पार्क। महानगर पालिका उपमहापौर संध्या ताई टिकले इनके हाथों हुआ आज भूमि पूजन। बच्चों को खेलने और सुबह शाम बुजुर्ग लोगों को घूमने एवं बैठने की अच्छी व्यवस्था होने के लिए काफी दिनों से पुंडलिक बाबा कॉलोनी के लोगों की बागीचे की मांग चल रही थी। पिछले साल इस मांग के चलते स्थानीय माजी नगर सेवक अविनाश मार्डीकर इन्होंने अथक प्रयास किए, लेकिन इलेक्शंस के समय यह काम रुक गया था। इस बार नवनिर्वाचित नगर सेविका तथा महानगर पालिका में उपमहापौर पद पर विराजमान संध्याताई टिकले इन्होंने यह कार्य आगे बढ़ाते हुए पुंडलिक बाबा कॉलोनी के लोगों की सुविधा हेतु बागीचे का निर्माण कार्य का भूमि पूजन समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह में प्रभाग के स्थानीय चारों नगर सेवक तथा मधुकर राव यावले, दौड़ा, कळसकर, आसरे, अटकरे, रघुवंशी, वाघ, कराळे समेत सव्वा लाखे तथा स्थानीय नागरिक काफी संख्या में मौजूद थे। इस बागीचे में बच्चों को खेलने के लिए एवं शारीरिक कसरत हेतु ओपन जिम, महिला एवं पुरुषों को घूमने के लिए जॉगिंग पार्क भी बनाए जाने की जानकारी इस समारोह के दौरान दी गई। कुशल लोटे, VCN न्यूज, अमरावती। तो वहीं दूसरी ओर पुरानी अमरावती स्थित आजाद हिंद मंडल की ओर से हर साल की तरह इस वर्ष भी मनाया गया गुरु पूर्णिमा का समारोह। गुरु यानी ज्ञानी, गुरु यानी दया का सागर, प्रेम और वात्सल्य की मूर्ति कहे जाने वाले गुरु का पूजन यानी सत्य और ज्ञान का पूजन ही है। गुरु द्वारा बताए मार्ग को स्वीकार करने पर अनेकों ने अपना जीवन साकार किया। किसी के गुरु उसके माता पिता थे तो किसी के गुरु तो किसी को उनके शिक्षकों और मार्गदर्शकों ने बुलंदियों तक पहुंचाया। हरेक के जीवन में रिश्तों के अनुसार गुरु की प्रतिमा बदलती रहती है। गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते और गुरु की असीम कृपा हमेशा शिष्यों पर रहे, यही है गुरु पूर्णिमा दिन का विशेष महत्व। रविवार को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पुरानी अमरावती बुधवारा के आजाद हिंद मंडल की ओर से गुरु पूर्णिमा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। नाना साहेब बामनगांवकर इनके फोटो को हार अर्पण कर समारोह की शुरुआत की गई। समारोह में 10वीं एवं 12वीं के गुणवंत विद्यार्थियों का, उसी के साथ क्रीड़ा क्षेत्र में अपना नाम ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले खिलाड़ियों का भी सत्कार किया गया। समारोह में मुख्य रूप से माजी महापौर तथा विद्यमान नगर सेवक विलास इंगोले, महानगर पालिका आयुक्त हेमंत पवार, माजी आमदार रावसाहेब शेखावत, पार्षद बबलू शेखावत, प्रदीप हिवसे, विवेक कलोती, आशीष अतकरे, जयश्री डहाके, नूतन भुजाड़े, गणेश खारकर एवं स्थानिक ज्येष्ठ नागरिक एवं स्त्री पुरुष भारी संख्या में उपस्थित थे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नवनिर्वाचित स्थानिक पार्षदों का भी सत्कार किया गया। या ठिकाणी जुन्या अमरावतीतील सर्व गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थ्यांचा सत्कार, क्रीडा क्षेत्रामध्ये ज्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली अशा सगळ्या खेळाडूंचा सत्कार आणि
व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या सर्व जनप्रतिनिधी आयुक्त आणि सर्व नगरसेविका भगिनी यांचा या दिवशी गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी सत्कार व्हावा आणि या शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने तो सत्काराला गुरुपौर्णिमेचं बळ मिळावं हा पवित्र उद्देश या सत्काराच्या मागे आहे. पाहुणे मंडळी सगळी यायच्या आधी समोर बसलेल्या सगळ्या हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज. आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार. ईशान घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान. कोण आहे ती? अहो हो, कोण आहे ती? गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी. ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्या साठी. अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी. आनंद एका स्त्रीचा. अग बाई गृहलक्ष्मी. आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार. ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. GST के चलते पंजीयन नंबर ना मिलने से परेशान है केंद्र सरकार की प्रमुख सेवा डाक विभाग. बिना GST नंबर के दे रहे हैं डाक विभाग अपनी डाक सेवा. GST को लेकर व्यापारी एवं दुकानदार तथा आम नागरिकों को परेशान एवं संभ्रमित देखा जा रहा है. दूसरी ओर सरकारी महकमा भी GST को लेकर परेशान है. ऐसी ही परेशानी पोस्ट ऑफिस को भी अपने कामकाज में हो रही है, जिसके चलते शुरुआती कुछ दिनों तक पोस्ट ऑफिस ने भी GST के संभ्रम में अपनी पार्सल एवं स्पीड पोस्ट सुविधा बंद रखी थी. बताया जा रहा है कि GST पंजीयन नंबर न मिलने की वजह से पोस्ट ऑफिस को पार्सल एवं स्पीड पोस्ट सुविधा देने में तकलीफ जा रही है. इसी असुविधाओं के कारण नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और इसके मद्देनजर रखते वरिष्ठ चीफ पोस्ट मास्टर को आदेश से पोस्ट ऑफिस की सुविधाएं फिर से शुरू की गई है. आपको बताते हैं कि सेंट्रल एक्साइज ऑफिस द्वारा डाक विभाग को पंजीयन नंबर देने के लिए शुरुआत में 10 नंबर मांगा गया था. वो नंबर देने के बाद पैन नंबर मांगा गया. यह प्रक्रिया भी पूर्ण की गई, बावजूद इसके डाक विभाग को पंजीयन नंबर GST नहीं मिल पाया. गौरतलब है कि केंद्र सरकार की प्रमुख सेवा डाक विभाग को GST पंजीयन नंबर न मिलने के चलते परेशानी हो रही है. तो वहीं दूसरी ओर आम व्यापारियों को क्या परेशानी झेलनी पड़ रही होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. बिना पंजीयन के एक विभाग का काम शुरू तो हो गया है, मगर आम व्यापारी बिना GST पंजीयन के काम कैसे करेगा. अन्न व नागरी पुरवठा निरीक्षक पद की परीक्षाओं के लिए अमरावती समेत अकोला यवतमाल केंद्र अमरावती जिले के विद्यार्थियों को मिले, ऐसी मांग संभाजी ब्रिगेड ने की है. अन्न व नागरी पुरवठा निरीक्षण पद के लिए 23 जुलाई 2017 में इम्तिहान लिए जाने वाले हैं और इस इम्तिहान के लिए परीक्षार्थियों को पूना, नासिक, मुंबई, धूलिया इस प्रकार की अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर जाना पड़ेगा. हर केंद्र अमरावती से करीब 500 से 700 किलोमीटर लंबा है और फिलहाल
सूखा पीड़ित परिस्थितियों में विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक जाने आने का खर्च करीब 1-2 हजार लगेगा। इन खराब हालातों के चलते विद्यार्थियों द्वारा इतना खर्चा संभव होना मुश्किल है। इस मुश्किल के चलते विद्यार्थी निराश हो गए हैं। अमरावती जिले के विद्यार्थियों को अकोला, यवतमाल ऐसे करीब के परीक्षा केंद्र दिए जाए, ऐसी मांग संभाजी ब्रिगेड ने विभागीय आयुक्त महसूल विभाग इन्हें ज्ञापन देकर की है। अगर हमारी यह मांग प्रशासन पूरी नहीं करेगा तो हम विभागीय आयुक्तालय कार्यालय के सामने आंदोलन करेंगे, जिसके चलते होने वाली परेशानियों की संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की रहेगी, ऐसी बात संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने की है। 23 जुलाई रोजी जी एग्जाम अन्न पुरवठा निरीक्षकाची जी एग्जाम होणार आहे त्याच्या संदर्भातले जे काही परीक्षा केंद्र जे आहेत ते परीक्षा केंद्र पुणे, मुंबई आणि धुळे या अशा ठिकाणी दिलेले आहेत। अमरावती जिल्ह्यामध्ये सध्या दुष्काळग्रस्त परिस्थिती आहे आणि मुलांना एवढ्या दूर जर गेलं तर 1000-2000 रुपये सहज लागतील आणि एवढ्या दूर गेल्यापेक्षा जर अमरावती जिल्ह्यामध्ये यवतमाळ किंवा अकोल्याला जर परीक्षा केंद्र दिलेत तर विद्यार्थ्यांना जवळच्या जवळ परीक्षा केंद्र मिळवून एक काही सुविधा होऊ शकते, पण एवढ्या दूर जर गेलं तर त्यांना फार मोठ्या परिस्थितीचा सामना करावा लागेल। दुष्काळग्रस्त भाग सध्या अमरावती विभाग झालेला आहे, संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशात दुष्काळ आहे। अशा परिस्थितीत जर सरकार अशा प्रकारचे जर संकटकारी निर्णय जर घेत असेल तर या सरकारला शेतकरी वाचवायचा आणि विद्यार्थी वाचवायचा आहे, आणि जे काही अभ्यास करणारे विद्यार्थी आहेत, MPSC चा अभ्यास करणारे असतील, स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणारे असतील, त्यांनासुद्धा त्यांच्या मुळावरसुद्धा सरकार उठलेलं आहे असं आम्हाला म्हणायचं आहे। ही जर समजा परीक्षा केंद्र अमरावतीला लवकरात लवकर त्यांनी हा निर्णय जर घेतला नाही तर आम्ही या विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धरणे आंदोलन ठेवू। धरणे आंदोलन जर ते ऐकले नाही त्याच्यानंतर तर आम्ही त्याच्यानंतरची कारवाई आम्ही त्यात करू आणि या सगळ्या परिस्थितीला संपूर्ण शासन आणि प्रशासन जबाबदार राहील असे आम्ही या ठिकाणी अर्जही तुम्हाला सांगू इच्छितो। आणि यानंतर आम्ही या संदर्भात सगळे विद्यार्थी रस्ता रोकोसुद्धा या ठिकाणी करू शकतो, या विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर। या संदर्भात आम्हाला जर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने लवकरात लवकर निर्णय जर दिला नाही तर आम्ही आमची कारवाई करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत। JCI अमरावती की ओर से अमरावती सामान्य अस्पताल में स्थायी प्याऊ हेतु भूमि पूजन समारंभ संपन्न हुआ। JCI अमरावती की तरफ से JCI इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष JC राम कुमार जी मेमन इनके द्वारा अमरावती सामान्य अस्पताल में स्थायी प्याऊ का भूमि पूजन समारोह संपन्न हुआ है। JCI अक्सर सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में हमेशा अग्रेसर रहती है। रक्तदान शिविर, अपाहिजों को मदद, गुणवंत विद्यार्थियों का सत्कार, समारोह ऐसे अनेकविध उपक्रम सामाजिक दायित्व समझकर निभाते रहती है। ऐसे ही कुछ दिन पहले अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में हमेशा मरीजों को एवं नागरिकों को पीने के पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ा और इस पर उपाय हेतु JCI अमरावती ने जिला सामान्य अस्पताल में स्थायी प्याऊ बनाने का निर्णय लिया। 10 जुलाई के दिन JCI अमरावती ने JCI इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष JCPPP राजकुमार मेमन इनकी उपस्थिति में भूमि पूजन समारंभ संपन्न किया। इस समारंभ में अस्पताल के CS डॉक्टर अरुण राउत, JCI एडवोकेट महेंद्र जी चांडक, विजय कलंत्री, शैलजा चांडक, शुभम जैन, अभिमन्य राठी, JCI के मेंबर्स भी काफी संख्या में मौजूद थे। यहाँ हमने एक भूमि पूजन समारोह किया जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार जी मेमन इनके हाथों यहाँ पे भूमि पूजन समारोह संपन्न हुआ। हमारे सदस्य नमन सोमानी इनके तरफ से हमें यहाँ पे पूरी डिज़ाइन तैयार की गई है एवं हमारे यहाँ पे सारे डोनर्स यहाँ हमारे साथ में खड़े हैं। हम यहाँ पानपोई बहुत जल्द महीने भर के अंदर यहाँ पूर्ण करेंगे एवं इसका लोकार्पण समारोह बहुत ही भव्य तरीके से बहुत जल्द हम आपके साथ में प्रस्तुत किया जाएगा। दिलीप जवंजा, VCN न्यूज, अमरावती। तो हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन रुकने से पहले आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एक और दर्दनाक हादसा, सेल्फी के चक्कर में 10 युवाओं ने गंवाई अपनी जान। तो GST के चलते डाक विभाग भी हुआ परेशान। सुरक्षा हेतु अमरावती बस स्टैंड पर लगाए जाएंगे CCTV कैमरे। आजाद हिंद मंडल द्वारा मनाया गया गुरु पूर्णिमा समारोह। तो ये थी आज की सुर्खियां। विदर्भ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।